गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम पूनम, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम सरदार पटेल पब्लिक स्कूल। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 और 11 फॉर क्लास थर्ड और फोर्थ। क्लास थर्ड का चैप्टर 10 है और फोर्थ का चैप्टर 11 है। क्या नेम है चैप्टर का? एडवर्ब। एडवर्ब का हिंदी मीनिंग होता है क्रिया विशेषण। मतलब जो वर्ब को डिस्क्राइब करता है वो वर्ड होते हैं एडवर्ब, और वर्ब से पहले ऐड होते हैं। देखो क्या डेफिनेशन है। द वर्ड दैट डिस्क्राइब द वर्ब एडजेक्टिव एंड अदर एडवर्ब्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव आर कॉल्ड एडवर्ब। मतलब वे वर्ड जो किसको डिस्क्राइब करते हैं, वर्ब को, एडजेक्टिव को और अदर एडवर्ब को, और अन्य जो एडवर्ब है उनको डिस्क्राइब करते हैं, वे वर्ड क्या होते हैं? एडवर्ब होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन थी। इसके बाद एग्जांपल देखो, सोनू रन्स फास्ट, ये तो हो गई वर्ब। अब वर्ब से पहले क्या ऐड हुआ है? सॉरी, ये रन्स क्या हो गई? वर्ब। और इसमें फास्ट क्या है? एडवर्ब। रन मतलब रन कर रहा है सोनू, और कैसे कर रहा है? फास्ट। तो एडवर्ब इसको डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट वर्ड रन को, मतलब जो वर्ब है उसको डिस्क्राइब कर रहा है फास्ट वर्ड। इसके बाद है द बॉय स्पीक लाउडली। द बॉय स्पीक लाउडली, स्पीक तो हो गई वर्ब, यानी बॉय बोल स्पीक करता है, और कैसे करता है? लाउडली। तो ये हो गई एडवर्ब। वर्ब को और ज़्यादा डिस्क्राइब किस वर्ड ने किया? लाउडली ने। तो इस तरह से एडवर्ब होते हैं जो वर्ब को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद है देयर आर फोर काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने काइंड्स होते हैं? फोर काइंड्स होते हैं। फर्स्ट है एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब मैनर होता है तरीका, मतलब क्रिया तरीके वाले, तरीके को बताने वाले क्रिया विशेषण। तो देखो क्या होते हैं, द एडवर्ब दे टेल अस इन व्हाट मैनर एन एक्शन डन, मतलब किस मैनर में, किस तरीके से कोई भी काम है, एक्शन है, वो किया गया है, वो तरीका हमें बताता है, तो आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ मैनर। तो उसी को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे एग्जांपल है द डॉग बार्क्स लाउडली। इसका एग्जांपल है द डॉग बार्क्स लाउडली। डॉग है वो बार्क्स कर रहे हैं, ये वर्ब हो गई, और कैसे कर रहे हैं? लाउडली यानी जोर से, ये क्या है? एडवर्ब है। तरीका बताएं कि डॉग बार्क कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसमें हाउ से क्वेश्चन किया जाता है। अगर आप हाउ से क्वेश्चन करते हैं और उसका आंसर आपको मिलता है तो वो कौन सा एडवर्ब होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, मतलब यानी तरीका बताया जाता है। इसमें कोई भी एक्शन है उसको किस तरह से किया गया उसका तरीका बताया जाता है। उसके बाद आगे है एडवर्ब ऑफ पैलेस। पैलेस पता है आपको, क्रिया स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, स्थान को बताता है। द एडवर्ब दैट टेल अस वेयर द एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ पैलेस, मतलब कहाँ पे काम किया गया है, एक्शन कहाँ पे हुआ है, पैलेस बताता है, तो उसको हम एडवर्ब ऑफ पैलेस बोलते हैं। जैसे कि जैसे एग्जांपल है गॉड इज एवरीवेयर, एवरीवेयर भगवान है वो प्रत्येक जगह है। तो आपको क्वेश्चन किया जाए कि वेयर, इसमें क्वेश्चन किया जाता है वेयर से, मतलब कहाँ है, तो एवरीवेयर यानी प्रत्येक जगह, स्थान बताया जा रहा है इसमें। इसके बाद है एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम यानी समय, जो क्रिया विशेषण समय बताने के लिए यूज होते हैं उनको हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। द एडवर्ब्स दैट टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब एक्शन का, जो भी एक्शन किया गया उसका टाइम बताया जाता है, वो कौन से एडवर्ब होते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे कि इसमें एग्जांपल है आई मीट माई अंकल यस्टरडे। यस्टरडे है, ये समय बता रहा है कि मैं अपने अंकल से मिला, कब मिला? यस्टरडे यानी जो बीता हुआ कल है तब मिला। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है वैन से, यानी जो वैन का आंसर दे रहा है, यानी इसमें पूछा जाता है कि कब मिले,
तो यस्टरडे यानी कल मिले, तो वेन से आंसर किया जाता है, तो आंसर मिलता है तो कौन सा एडवर्ब होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब आप सभी जानते हो, द एडवर्ब दैट आर आस्क्ड दैट आर यूज टू आस्क द क्वेश्चन आर कॉल इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मतलब क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको उसमें तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है, जैसे कि वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलते हो, तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। वाई आर यू एंग्री, आर यू एंग्री, तो इस तरह के जो एडवर्ब होते हैं वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इसमें आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इससे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो एडवर्ब ऑफ मैनर है, उसको किससे आइडेंटिफाई करते हैं कि हमें किससे क्वेश्चन करना है, हाउ से। और इसके बाद एडवर्ब ऑफ प्लेस है, उसको वेयर से क्वेश्चन करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद एडवर्ब ऑफ टाइम है, उसको वेन से क्वेश्चन करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा एडवर्ब है। इसके बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब आपको पता ही है, उसमें क्वेश्चन किया जाता है। तो ये आपका चैप्टर था एडवर्ब, इसका वर्क तो मैंने सेंड कर दिया है, आपको फिर से इसको रिवाइज करना है। थैंक यू।